वेलकम टू पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इस वीडियो में जानेंगे, इस सेवंथ वीडियो है वे भी वेरिएबल टाइप्स का। इस वीडियो में जानेंगे कि लोकल वेरिएबल्स, फंक्शन पैरामीटर, ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स के में डिटेल्स में जानते हैं। उसके लिए मैं ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ, कंट्रोल एन करते, फिर PHP पे सिलेक्ट करके लेआउट नन, स्कोप का कर देता हूँ, फिर कंट्रोल एस करेंगे। उसके बाद टैगपोर्ट में जाते, यहाँ पे हम वेरिएबल का बनाते, इसलिए वेरिएबल डॉट पी एच पी लिखता हूँ। वेरिएबल डॉट पी एच पी लिखा मैंने। उसके बाद हम उसका टाइटल तो वही रहने देते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर पी एच पी का स्टार्टिंग टैग लगते, पी एच पी सॉरी यहाँ पे आएगा, और पी एच पी का एंडिंग टैग। उसके बाद हम करने वाले हैं प्रोग्राम आज, पहले लोकल का, लोकल वेरिएबल हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया। तो उसके बाद पहले मैं यहाँ पे एक, हमने वेरिएबल के साइन कुछ इस तरह का होता है, मैंने आपको बोला डॉलर एक्स इज इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने। उसके बाद फंक्शन एड बनाया मैंने, उसमें मैंने लिखा डॉलर एक्स, फिर से लिखा मैंने, मगर यहाँ पे उसकी वैल्यू मैं 0 लिखता हूँ। फिर इको करते हैं, ये वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स, फिर यहां पे आउटसाइड में इको करते हैं। पहले हम इसको एड एड मैंने यहां पे उसको कॉल किया, फिर हम फिर से इको करेंगे, इको डॉलर सॉरी यहाँ पे ये लिखने का जरूरत नहीं है, डॉलर एक्स। देखो यहाँ पे इनसाइड, यहाँ पे अंदर पहले आप वैल्यू 0 है और बाहर 4 है, तो इसको रन करने के लिए पहले मैंने लोकल होस्ट ऑन है, नहीं है, चलो अब इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो ये वेरिएबल डॉट है, हम इसको एंटर करेंगे, देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ डॉलर एक्स की पहले 0 आई, फिर मैंने यहाँ पे 4 की, तो चलो यहाँ से स्ट्रिंग में लिखते तो अच्छा आएगा, इनसाइड मुझे फिर यहाँ पे outside डॉलर एक्स लिखा मैंने। अब देखिए इनसाइड में 0 होगी, देखो इनसाइड द वैल्यू ऑफ 0 और आउटसाइड 4, इसका मतलब कि ये वैल्यू यहाँ तक ही रहती है और ये वैल्यू
यहाँ पे नहीं आती। इसका मतलब लोकल वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे जो शुरुआत होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है, तो इसके अंदर के सारे वेरिएबल तभी ख़त्म हो जाते हैं, इसका मतलब ये होता है। अब फंक्शन पैरामीटर के बारे में बात करें तो देखो, इस प्रोग्राम को हम अंडरस्टूड करें तो देखो, यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट पास की गई है डॉलर एक्स की वैल्यू, जो यहाँ से 10 पास हो रही है वैल्यू, यहाँ पे जा रही है, फिर यहाँ पे 10 एक इंक्रीमेंटर होके, देखो यहाँ पे 11 इंक्रीमेंट करते हैं तो देखो 21 आई। जैसे कि यहाँ पे इंक्रीमेंट होता है, इसलिए मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में 10 हमको पास करें, वेरिएबल पास करें, तो उसके हम उसको हम बोलते हैं फंक्शन पैरामीटर बोलते हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल पैरामीटर के। ग्लोबल के लिए हमको पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, डॉलर एक्स इज इक्वल टू 4 ले लेता हूँ। उसके बाद फंक्शन इज इक्वल टू एड का एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो उसमें मैं उसके ग्लोबल वेरिएबल के एक्सेस करना है, इसलिए मैं कैपिटल में लिखना होगा ग्लोबल इज इक्वल टू डॉलर एक्स, उसका है वैल्यू डॉलर एक्स मैंने डिफाइन कर लिया। तो उसके बाद अब डॉलर एक्स की वैल्यू को हम एक इंक्रीमेंट करते हैं, डॉलर एक्स इज इक्वल टू डॉलर एक्स प्लस प्लस वन कर देते हैं। हाँ देखो, उसका इंक्रीमेंट हो गया, फिर इसको इको करते हैं, इको डॉलर एक्स। अब इसको कॉल करते हैं यहाँ पे एड, अब देखो उसको हम एक्सिक्यूट करते हैं, देखो डॉलर की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे कैपिटल एक्स कर दी है इसलिए थोड़ी दिक्कत हो गई। अब आ जाएगा देखो यहाँ पे उसकी वैल्यू 4 थी तो 5 हो गई है, देखो यहाँ पे मैं उसकी वैल्यू 5 करता हूँ तो यहाँ पे 6 हो गया। इस तरह से आप ग्लोबल वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल की। स्टैटिक वेरिएबल्स कुछ इस तरह के ही होते हैं, यहाँ पे ग्लोबल की जगह पे यहाँ पे स्टैटिक आएगा, स्टैटिक डॉलर एक्स इज इक्वल टू 0, हाँ डॉलर एक्स इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं हम यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू 0 स्टैटिक डॉलर एक्स, यहाँ पे उसको मिटा देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ फिर इसको हमने बढ़ाया, फिर यहाँ पे उसको एक्सीडेट करते हैं, फिर हम एड यहाँ पे एक बार लिया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। अब देखो इसको एक्सीक्यूट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखो डॉलर की वैल्यू 0 थी, फिर यहाँ पे कुछ इस यहाँ पे आया तो यहाँ पे डॉलर 1 की वैल्यू 1 चली गई, इसलिए यहाँ पे इसने 1 वेरिएबल वैल्यू स्टोर की, इसकी जो पुरानी वैल्यू थी वो उसने निकाल दी, यहाँ पे डॉलर इसके जगह 0 के जगह उसने 1 कर दिया, इसलिए इसको स्टैटिक वेरिएबल्स बोलते हैं। हमने इस वीडियो में लोकल वेरिएबल, फंक्शन पैरामीटर, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स को अंडरस्टैंड किया। अगर आपको नहीं पता चला हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू।